तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि घर बैठे बैठे हम होटल के खाने का स्वाद कैसे ले सकते हैं, और मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा अपनी पर्सनल फेवरेट रेसिपी चिकन विंग्स की। ये चिकन विंग्स हैं विद स्किन, और अभी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जी, सबसे पहले हम अपने चिकन को वॉश करेंगे अच्छे से थोरली। बट मैं एक चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ कि ज़्यादा हार्ड इसको रफली मैं वॉश ना करूं, बिकॉज अदरवाइज स्किन उतर जाएगी। और हमने इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, बिकॉज जो करारा और क्रिस्पी टेस्ट आएगा चिकन का, वो स्किन की वजह से ही आएगा कुक होने के बाद। तो चिकन हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रखे भी रखा ताकि ये ड्राई हो जाए। उसके बाद जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे इसमें आज के रेसिपी में, वो आपकी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओलिव ऑयल, चिकन मसाला, कस्तूरी मेथी, नमक, हल्दी और आपकी दही। तो सबसे पहले आपने बड़ा कंटेनर लेना है कोई भी, जिसमें हम अपना मैरिनेट तैयार करेंगे। उसमें आपने 2 चम्मच दही, अब दही चाहे आप घर का यूज़ कर सकते हो या आप बाहर से भी मंगवा सकते हो, एंड उसके बाद 2 हीप्ड टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश जिंजर और फ्रेश गार्लिक है और आप खुद पेस्ट बना सकते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी बाहर से बनी बनाई जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करी है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे चिकन मसाला, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और कस्तूरी मेथी भी अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, या जितनी क्वान्टिटी है चिकन की उतना इसमें ऐड कर देना। और क्योंकि मैं 1 किलो चिकन विंग्स के लिए मैरिनेट रेडी कर रहा हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सॉल्ट ऐड किया मैंने उसमें, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें हल्दी, सो थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ी सी रेड चिली पाउडर फ्लेवर के लिए। तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, आप हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली ब्लेंड हो जाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, और जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि बिल्कुल भी रनीनेस नहीं है, बहुत ही थिक मैरिनेट है। इसमें चिकन विंग्स ऐड करके हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो 2 घंटे के रेफ्रिजरेशन के बाद हमने इसको अपने ओवन में या एयर फ्रायर में, मैंने पहले भी आपको बताया था ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है एयर फ्रायर, एक कोई इसमें ज़्यादा तेल नहीं यूज़ होता, ओवन का काम करता है, इसमें लगा के हम इसको 12 मिनट के लिए कुक करेंगे 200 डिग्रीज पे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, और अब बाहर KFC जाने की किसको ज़रूरत है, हमारा बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास चिकन रेडी है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कुक हुआ है। और हम मैं जाके अभी ये खाऊंगा और अगली वीडियो की तैयारी करूंगा। गाइज, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अब आपसे अगली बार मिलूंगा मैं नई वीडियो के साथ। आई लव यू एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।